सब मेरे भाई कैसे हो आप सब। मेरा नाम है एयर कैंसो। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वाइवर के बारे में, वो बातें जो आपको कोई नहीं बताएगा। पहली चीज मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि सर्वाइवर में वो पहले वाली बात नहीं रही, बहुत कुछ बताने वाली ऐसी चीजें जो शायद आपको ना पता हो। पहली चीज सर्वाइवर, भाई सर्वाइवर वही कंटेस्टेंट है जो इंडियन आइडल 12 में भाई सब इलिमिनेट हो जाते हैं। वहां पे बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है जब सर्वाइवर को इलिमिनेट कर दिया जाता है इंडियन आइडल 12 में। भाई साहब उस समय जनता बहुत ही ज्यादा हेट कर रही थी इंडियन आइडल 12 को, क्योंकि उनको बीच मोड़ पे ही उनको इलिमिनेट कर दिया गया था सर्वाइवर को, जो कि इलिमिनेशन नहीं करना चाहिए था सर्वाइवर का। हाँ, अब बात करने वाले हम नए एल्बम के बारे में। सर्वाइवर का नया एल्बम आया है जिसका नाम है झांझरिया। मैं आपको बता दूं वो एल्बम 3 दिनों में 3 मिलियन व्यूज आया है। आपको क्या लग रहा है ये बहुत ही अच्छा व्यूज है? भाई साहब उतना अच्छा व्यूज नहीं है। भाई साहब मैं आपको बता दूं कि सर्वाइवर का पहला गाना आया था जिसका नाम था सांसे, और वो अभी तक 70 मिलियन व्यूज ले चुका है। 1.4 मिलियन उस पर लाइक हैं, 60,000 के लगभग में उस पर कॉमेंट हैं। भाई साहब सर्वाइवर में पहले वाली बात नहीं रही, क्यों? क्योंकि इंडियन आइडल से इनको बीच मझधार में ही, बीच रास्ते में ही इनको निकाल दिया गया था। भाई साहब उस समय भी यही कह रहा था और आज भी यही कहूँगा, उनके साथ गलत हुआ था इंडियन आइडल 12 में। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या सर्वाइवर आपके फेवरेट हैं और कैसा क्या गलत हुआ था सर्वाइवर के साथ इंडियन आइडल 12 में, कमेंट बॉक्स में बताइए। लव यू गाइस एंड थैंक यू मेरे भाई लोग।